हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस और नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर बंद हुआ है 61,900 के अराउंड, लगभग 500 पॉइंट गेन के साथ, लगभग 1% के गेन हमने देखे हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं एनालिसिस विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो सिल्वर जो है तो अभी दिखा रहा है 800 रुपये के गेन, लगभग 1.32% अप ट्रेड कर रहा है फॉर द मंथ। लास्ट मंथ हमने 5% का लॉस देखा था, उससे पहले लगभग 4.5% का। तो यहाँ लगता है कि करेक्शन ओवर हो चुका है और यहाँ एक बाउंस बैक आ रहा है, जहाँ 20 मंथ का जो एवरेज है उसके अराउंड जो है तो सिल्वर फ्यूचर ने सपोर्ट लिया है और ये बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ हमने S1 को टच करते हुए देखा था, लगभग 59,000 के लेवल आए थे। जब तक सिल्वर जो है तो मंथली बेसिस पे 60,900 के ऊपर क्लोज कर रहा है, तब तक आपको यहाँ लॉन्ग व्यू रखना चाहिए। टारगेट रहेंगे आपके 71,000, 75,000, और जो है तो अगर रैली बिल्डअप होती है तो 81,000 के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी नियर टर्म टारगेट जो रहेगा वो 65,000 का रहेगा सिल्वर में। मुझे लगता है कि यहाँ तक कम से कम बाउंस बैक आना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो कि ये टॉप बनाया था, उसके बाद में एक लोअर टॉप बनाया था, और यहाँ जो है तो शायद यहाँ 65 या 68 के अराउंड एक टॉप बनेगा और फिर से प्राइजेस जो है तो नीचे जाती हुई दिखेगी हमें। तो यहाँ करंटली जो नियर टारगेट है वो है 65,000 का एज पर मंथली चार्ट, और हम अभी 61,900 पे, तो करंट लेवल से लगभग 3,000 का अपसाइड हमें दिख रही है आने वाले महीनों में। मगर उसके लिए गोल्ड सिल्वर प्राइसेस को 60,900 का लेवल जो है तो वो मेंटेन करना पड़ेगा। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे तो हम जो है तो 200 डेज वीकली चार्ट देखते हैं पहले। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि हमने जो है तो अच्छा खासा करेक्शन देखा था। अभी यहाँ से प्राइजेस जो है तो थोड़ी सी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ जो है तो हम जो पिछले महीने का हाई था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ एज पर वीकली चार्ट इस वीक हमने लगभग गेंस देखे 260 पॉइंट के, उससे पहले जो है तो लगभग 450 पॉइंट के लॉसेस थे। और यहाँ जो है तो निचले लेवल पे सिल्वर पे बाइंग आ रही है, मगर फिर भी अभी तक वीकली चार्ट जो है तो वीक ही है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ऊपर के ज़्यादा लेवल देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि 65,000 और या 66,000 तक बाउंस बैक आए, मगर वहाँ से फिर से हमें सिल्वर जो है तो नीचे जाता हुआ दिखेगा, जैसे मैंने मंथली चार्ट पे कहा, क्योंकि यहाँ जो है तो प्राइस पैटर्न इतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऊपर के लेवल पे आता है तो मुझे मेरे हिसाब से शॉर्ट ही करना वाजिब रहेगा, या फिर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे। नीचे जो है तो हम 56,000 के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो 200 वीक का एवरेज है। तो यहाँ 65-66 के अराउंड आपको शॉर्ट करना है सिल्वर, और यहाँ मीडियम टर्म टारगेट रहेंगे 56,000 के। अभी करंटली मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में एक बाउंस बैक आ सकता है जो सिल्वर को 65-66 के लेवल पे लेकर जा सकते हैं। तो करंट लेवल से आपको 3,000 से 4,000 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है, और यहाँ जो सपोर्ट है नीचे 60,500 का है। तो करंट लेवल से लगभग 1,400 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। यहाँ उसके सपोर्ट के ऊपर बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 60,400 के नीचे। तो एज पर वीकली चार्ट अगर जब तक सिल्वर जो है तो 60,400 के ऊपर है तब तक आपको लॉन्ग व्यू रखना चाहिए। आपके टारगेट होंगे 65,000 और उसके बाद में 66,000 के। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि हम 200 डेज के एवरेज के नीचे थे, एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा, फिर बाउंस बैक की कोशिश की, फिर से जो है तो यहाँ कंसोलिडेशन में जा चुके हैं। तो यहाँ नीचे के लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है सिल्वर ने 60,500 के अराउंड, उसके ऊपर जब तक है तब तक आपको लॉन्ग व्यू रखना चाहिए। आपके जो टारगेट है एज पर शॉर्ट टर्म 64,000 और उसके बाद में जो है तो लगभग 67,000 के टारगेट आपको इस महीने देखने को मिल सकते हैं। तो आपको 60,400 के ऊपर लॉन्ग व्यू रहेगा। हमारा पहला टारगेट रहेगा 64,200 का, और उसके बाद में जो है तो 67,000 की भी टारगेट सिल्वर दिखा सकता है अगर ब्रेकआउट आता है। तो मिनिमम टारगेट आप पकड़ के चलिए 64,200 का टारगेट आप इस महीने के लिए लेकर चलिए। उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेंगी जो सिल्वर को लेकर जा सकती है 67 के लेवल की तरफ। तो यहाँ मेरा लॉन्ग व्यू रहेगा सिल्वर पे नेक्स्ट वीक के लिए। हम 60,400 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी,
टारगेट रहेगा 64,200। अगर उसके ऊपर निकलते तो 67 के भी टारगेट आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो डेली चार्ट देखा, यहाँ भी लॉन्ग व्यू बन रहा है, यहाँ बॉटम आउट साइन है। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ भी 60,400 का लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर 65,000 और 66,000 के टारगेट बनते हैं। और मंथली चार्ट पे जो है, तो जब तक हम 60,900 के ऊपर है ऑन मंथली बेसिस, आपको जो है तो पिछले हाई टच करते हुए देख सकता है सिल्वर। तो करंटली सभी चार्ट पे सिल्वर बुलिश है, 60,400 का ये मेजर सपोर्ट है, उसके ऊपर आपको लॉन्ग रहना है। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको लॉन्ग लिक्विडेट करने हैं या फिर एग्जिट करना है लॉन्ग से, क्योंकि उसके नीचे जो है तो सिल्वर में आपको एक अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखेगी। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप, तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।